गोरखा हित सर्वोपरि। भारतीय सेना मुख्यालय ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए गोरखा राइफल्स एवं रेजिमेंटों में अब उत्तराखंड के गैर गोरखा कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। अगले साल से यह प्रक्रिया जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें यह नियम लागू किया जाएगा। सेना मुख्यालय के इस कदम से उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊनी युवा गोरखा रेजिमेंट में आसानी से शामिल हो सकेंगे। फिलहाल भारतीय सेना के पास करीब 40 गोरखा रेजिमेंट से अब तक गोरखा रेजिमेंट एवं उनकी बटालियनों में केवल नेपाल अधिवासी गोरखा एवं भारतीय अधिवासी गोरखाओं को ही भर्ती में शामिल किया जाता रहा है। नेपाली और भारतीय सैनिकों के बीच 60 और 40 का अनुपात बनाया जाता रहा। हालांकि कुछ साल पहले एक ऑल इंडियन गोरखा बटालियन को भी रेजिमेंट में शामिल किया गया था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि 7 गोरखा रेजिमेंट में से 3 में गैर गोरखा कर्मियों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। सेना मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। अलग अलग बटालियन में भर्ती होने वाले नेपाली सैनिकों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ इकाइयों में भारतीय गोरखा सैनिकों की हमेशा से ही कमी रही है। इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए भर्ती को मंजूरी दी गई है। रेजिमेंट्स में गैर गोरखाओं की भर्ती को फिलहाल 2 साल के लिए सीमित किया गया है। 2 साल के बाद भारतीय गोरखाओं की संख्या को देखकर उन्हें अपनी इच्छा से भर्ती होने के लिए कहा जाएगा। नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच 1947 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत की सेना और ब्रिटिश सेना को नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति है। इस समझौते के तहत उस समय 10 गोरखा राइफल्स की जो रेजिमेंट्स थी उसमें से 6 भारत में और 4 यूके ब्रिटेन में ले गए और उनको वहाँ पे अपना बनाया गया। भारतीय सेना के पास 13489 GR थी। उसके बाद 7वीं और 11वीं गोरखा राइफल्स भी इसमें शामिल हो गई। वहीं ब्रिटिश सेना के पास 2nd, 6th, 7th और 10th गोरखा राइफल्स है। अंग्रेजों ने पहली बार जो गोरखा रेजिमेंट बनाई वह साल 1815 में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सुभातु में बनाई थी। हालांकि इससे पहले साल 1809 में कांगड़ा में गोरखा सेना के साथ संघर्ष के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं की भर्ती अपनी सेना में शुरू की थी। फिलहाल जो भी हो कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, इसलिए वीर गोरखा वेब टीवी ने जो आर्मी के इंडियन आर्मी के पूर्व DG रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु, उनसे इस पूरे मुद्दे में बात की। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु जी। शक्ति गुरु जी साथ ही साथ भारतीय सेना के DG रिक्रूटमेंट भी रह चुके हैं। सर, जो ये खबर चल रही है और आ गई है सेना मुख्यालय के नए आदेश के अनुसार अब गोरखा राइफल्स में गैर गोरखा भी भर्ती होंगे, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है सर आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये जो गैर गोरखा जो भर्ती होने वाले हैं GR रेजिमेंट्स के अंदर, सबसे पहले उन्होंने सिर्फ 3 रेजिमेंट्स को चुना है अभी तक। तो ये मेरे ख्याल में एक ट्रायल के तौर पे करने का प्लान है आर्मी हेडक्वार्टर का, नहीं तो तमाम रेजिमेंट्स के लिए ये खोल देते हैं ये गैर गोरखे के लिए। दूसरी बात, ये जो प्रोविजन इन्होंने बोला है ये सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के लिए है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी लोग हैं जैसे कि गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, जो कि GR रेजिमेंट्स के अंदर फिट हो सकते हैं। उनका कल्चर, उनका उनके ट्रेडिशंस भी तकरीबन सेम है। तो और ये मेरे हिसाब से इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो GR बैलेंस है ये अंडर स्ट्रेंथ जा रहे थे, जो 800-850 की नफरी होती है एक पलटन के अंदर वो पूरा नहीं हो पा रहा था, और बटालियंस उतने ही थे जितने पहले खड़े थे, उतने ही यूनिट्स थे, और ये तमाम यूनिट्स को फिर मैन करना, क्योंकि हर साल जो है उतने ही जवान जो है रिटायर हो जाते हैं, अब उनकी जगह में जो है नए जवान को आना पड़ता है, लेकिन जब जवान मिलते नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से आर्मी हेडक्वार्टर को ये करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से सर माना जाता है कि गोरखा भर्ती एक अतीत है, एक इतिहास है इसका बहुत गौरवशाली, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। लगभग 2 साल अंग्रेजों के साथ अगर शुरू हुई जिस तरह से गोरखा राइफल्स, अभी पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन किया गया, तो सर इसमें गोरखा समाज की तरफ से, चूंकि आप भी एक गोरखा व्यक्ति है, गोरखा समाज की तरफ से क्या सोचना चाहिए, इस फैसले को किस निगाह से देखना चाहिए?
देखिए हमें जो है नेशनल इंटरेस्ट के निगाह से इसको देखना चाहिए। अब चेंज इज इनएविटेबल, ये हमें मानना चाहिए कि भाई चेंज तो होता जाएगा। ये जो पहले का जो प्रोसीजर था जिसमें सिर्फ गोरखा आया करते थे जीआर बटालियंस में, वो तो एक ब्रिटिश की लेगेसी थी। आजकल क्या है कि द एम्फेसिस इज ऑन हैविंग बटालियंस कंप्राइजिंग ऑफ ऑल इंडिया ऑल कास्ट, आजकल इसी में जोर है ताकि ऑल इंडिया ऑल कास्ट को मौका मिले हर रेजिमेंट के अंदर काम करना। बल्कि एक समय तो ऐसा था जबकि वो बोल रहे थे, जबकि ये एक सोच घूम रही थी कि रेजिमेंट के नाम को ही बदल दें और नंबर वन इन्फेंट्री बटालियन, नंबर टू इन्फेंट्री बटालियन, नंबर थ्री इन्फेंट्री बटालियन, ऐसे करके सभी इन्फेंट्री बटालियन को लेबल करें। ये भी एक प्लान था एक टाइम पे, लेकिन वो अभी तक अमल नहीं हुआ। लेकिन ये अब मेरी जो रेजिमेंट है वो जी आर रेजिमेंट तो है नहीं, लेकिन मेरे रेजिमेंट के अंदर भी जो है ज्यादातर हम जाट्स राजपूत डोगरास को भर्ती करते थे, लेकिन हमारे रेजिमेंट के अंदर भी आजकल ऑल इंडिया ऑल कास्ट शुरू हो गया है। इट हैज बिकम ओपन टू ऑल द कास्ट ऑफ द कंट्री टू कम इनटू माय रेजिमेंट। तो सिमिलरली सिमिलर ट्रेंड इज नाउ स्टार्टिंग ऑफ फॉर द जीआर रेजिमेंट्स। लेकिन इसमें सबसे मूल्य कारण यह है कि हमारे जो बच्चे हैं नाउडेज, एक अच्छी बात है कि भाई डिफेंस के अलावा हमारे बच्चे जो है बाकी फील्ड्स के अंदर भी जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन इज इंक्रीजिंग, एजुकेशन इज इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट। एंड हमारे बच्चे जो है आजकल आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वी विल फॉल शॉर्ट इन जी आर रेजिमेंट्स, इन जी आर बटालियंस। तो फिर सरकार के पास और कोई तरीका नहीं है बल्कि सिर्फ भर्ती को थोड़ा खोलने के लिए बाकी पहाड़ी ट्रूप्स के लिए। सर, जिस तरह से गोरखा समाज देश में काफी पिछड़ा माना जाता है हर क्षेत्र में, सामाजिक हो आर्थिक हो, उस रूप में अगर देखा जाए तो रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं गोरखा समाज के पास कम रहेंगे इस फैसले के बाद, इस दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? कई लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जो केवल सेना में जाके अपने परिवार की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे, तो इस विषय में क्या सोचते हैं सर आप? देखिए ऐसा है, रोजगार के बारे में मेरा ख्याल ये है, मेरा विचार ये है कि देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, यू नो, बिकॉज आजकल रोजगार के कारण ही तो हमारे बच्चे बाकी फील्ड में जा रहे हैं। वही तो मैंने अभी बताया आपको कि हमारे बच्चे जो है आजकल डिफेंस के अलावा बाकी फील्ड को भी देखते हैं उसी नजर से कि स्कोप कहाँ पर है, हमारी केपेबिलिटी कहाँ पर है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड इसलिए मैंने कहा है कि आजकल हमारे बच्चे जो है फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, फील्ड लाइक मेडिकल, फील्ड लाइक बिजनेस, फील्ड लाइक आईटी में जा रहे हैं, है ना। एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड दैट जीआर रेजिमेंट्स के अंदर भर्ती जो है कम हो रही है। तो ये आर्थिक वजह से नहीं है, आई मीन देयर शुड बी नथिंग टू वरी ऑन दैट। अगर हमारे बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे तो हमारे बच्चे कहीं और जा रहे हैं वेयर दे विल डू इवन बेटर, दैट्स वन थिंग वेरी गुड। हालांकि ये हमारी हमारी जो समुदाय है इट्स अ मार्शल रेस, वो मैं मानता हूँ, एंड हमारे लिए वॉर फाइटिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर हम वॉर फाइटिंग के अलावा बाकी फील्ड के अंदर भी जाएं तो देयर नथिंग, देयर इज नो हार्म इन दैट। जी सर, अंत में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे मैंने ऐसे देहरादून में, चूंकि मूलतः मैं भी देहरादून का हूँ, उत्तर भारत में बहुत बड़ा एक गोरखा आबादी आर्मी बेस्ड है, तो सर उनके जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं क्या उनको अभी से तैयारी करनी चाहिए कि सेना ही अंतिम विकल्प नहीं, ये अगर सरकार फैसला कर दिए तो अभी से सजग हो जाएगी, इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? देखिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो है ना आजकल पता नहीं कारण क्या है, हमारे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर, या तो वो फिजिकली कमजोर हो गए हैं या पता नहीं जो भी वजह है, या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है आजकल फौज के अंदर नौकरी करने का, जैसे उनके पिता और उनके नाना या दादा ने काम किया होगा फौज के अंदर, आजकल उनका इंटरेस्ट जो है फौज में नहीं है ज्यादातर, दे नाउ लुक एट अदर फील्ड्स। वही तो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि ये बाकी फील्ड्स भी देखते हैं, बाकी सेक्टर्स भी देखते हैं जहाँ पे वो एक्सेल कर सकें। जी सर, आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अभी तक जो है हम सिर्फ वॉर फाइटिंग लिए माने जाते थे,
लेकिन नाउ यू विल सी हमारे बच्चे जो है जब सिविल सर्विसेज में आएंगे, हमारे बच्चे जब इंजीनियर्स बनेंगे, जब आईटी एक्सपर्ट्स बनेंगे, जब डॉक्टर्स बनेंगे, देन आर रेस आर कम्युनिटी विल बी हेल्ड इन हायर एस्टीम इफ यू सी इट। सर अंत में एक जी सर सुनो दूसरी बात जी जी सर दूसरी अगली बात मेरी ये है कि नाउ विथ व्हाटएवर हैपनिंग इन नेपाल यू नो अभी जो ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ था नेपाल ब्रिटिश के बीच 1947 में जी सर इसके चले गए थे और बाकी रेजिमेंट थे नामी। अब ये लेगेसी भी जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नाउ नेपाल इज ऑल्सो यू नो सॉर्ट ऑफ हालांकि ये इंडियन आर्मी के अंदर नौकरी करना उनके लिए एक बहुत ही इनकम जनरेटिंग सोर्स है, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स चल रहा है रीजन के अंदर, चीन भी बहुत ही बड़ी मात्रा में आ चुका है नेपाल में, उस प्रकार से वी हैव टू स्लोली स्लोली स्टार्ट शेयरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ट्रूप्स फ्रॉम नेपाल। अभी क्या है कि अभी जो रिक्रूटमेंट की जो रेशियो है इंडियन आर्मी जी आर बटालियन में वो 60-40 है, 60% नेपाल से होता है और 40% इंडिया से होता है। तो ये धीरे धीरे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि अभी माहौल बदल रहा है, एनवायरमेंट इज चेंजिंग एंड वी माइट हैव टू रिड्यूस द इनटेक नाउ फ्रॉम नेपाल स्लोली स्लोली। जी सर दैट इज वन पॉसिबल रीजन दैट दिस थिंग इज नाउ दिस रिक्रूटमेंट इज नाउ ओपनिंग अप फॉर अदर कम्युनिटीज स्पेशली हिल ट्राइब्स। लेकिन जैसे मैंने कहा है ये जहां तक मेरी खबर है ये सिर्फ 2 साल के लिए इन्होंने रखा है, 2 साल के अंदर देखेंगे कि भाई इनटेक कैसा होता है, किस प्रकार से ये जो बाकी कास्ट हैं बाकी कम्युनिटीज हैं किस प्रकार से ये घुल मिलते हैं जीआर बटालियंस में, फिर उसके बाद जो है इस पॉलिसी को जो है पक्का किया जाएगा। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। जी सर आखिर में एक सवाल मेरे मन में आया कि सर आप डीजी रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी के रहे हैं तो सर आपने अपने सर्विस के दौरान गोरखा भर्तियों में खासतौर में क्या चीजें देखी, थोड़ी अगर साझा करना चाहें। ठीक है ऐसा है यू नो आई व्हाट आई डिड फर्स्टली आई वाज द फर्स्ट डीजी रिक्रूटिंग ऑफ इंडियन आर्मी। मेरे से पहले देयर वाज नो डीजी रिक्रूटिंग। जब मैंने फोर कोर कमांड करके मैंने कोर कमांड का छोड़ा था तो सबसे पहले आई वाज टेकन टू आर्मी हेडक्वार्टर्स एज डीजी रिक्रूटिंग। उसके बाद फिर मेरे को साइड स्टेप करके मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया था। नाउ एज डीजी रिक्रूटिंग व्हाट आई सॉ वाज कि ये जो हमारी जो हाइट की जो लिमिटेशन थी गोरखा भर्ती के लिए गोरखा ट्रूप्स के लिए ये इट वाज 162 सेंटीमीटर जो था ये कद जो कद है जो हाइट है उसकी लिमिट थी कि 162 से ज्यादा होना था एक गोरखाली को भर्ती होने के लिए। अब ये एक बहुत ही कमजोरी थी क्योंकि ऑफिसरों के लिए जो कमीशन होते हैं ऑफिसरों के लिए इट वाज 157 सेंटीमीटर्स। तो फिर मैंने केस टेकअप किया था कि भाई अगर 157 सेंटीमीटर्स ऑफिसर्स के लिए है तो व्हाई शुड इट बी 162 फॉर जवान्स गोरखा जवान्स। तो ये हमने केस टेकअप करके इसको रिड्यूस किया था एंड नाउ आई थिंक इट इज 157 या 155 सेंटीमीटर्स फॉर गोरखा ट्रूप्स जो जिसके 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 लिए जो है हमारे ज्यादातर बच्चे जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। बट द बिगेस्ट कमजोरी इज जहाँ तक मैंने देखा है भर्ती के अंदर क्योंकि मैंने एक स्पेशल रैली करवाया था गोरखालीज के लिए सिर्फ गोरखाज के लिए इन देहरादून बिकॉज आई वॉज टोल्ड दैट द गोरखा रिक्रूटमेंट इज ड्रॉपिंग। तो मैंने एक स्पेशल रैली करवाया था देहरादून में एंड आई थिंक इट वॉज इन 2013 और कोई 400 वैकेंसी थे और उस 400 वैकेंसी के लिए कुल 800 या 900 बच्चे ही आए थे टेस्ट के लिए जिसमें से जहां तक एज फार एज माई मेमोरी गोज सिर्फ 15 या 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 400 की वैकेंसी थी और 15 या 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड हो गई है। अब मैं इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूँ लेकिन what I'm trying to say is अगर फौज के अंदर आना है इफ यू आर सीरियस अबाउट वर्किंग इन द आर्मी देन यू हैव टू बी फिजिकली क्वालिफाइड ऑल्सो यू हैव टू बी फिजिकली केपेबल ऑफ एंटरिंग द आर्मी एंड पासिंग द टेस्ट। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। सर आपने हमसे बात की और दुनिया भर में जो इस खबर के बाद
जो चिंतित गोरखा समाज के लोग होंगे और जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं वो आपकी इस निश्चित रूप से जो आपने चीजें बताई उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। आपने हमसे बात की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।